Hello everyone, this is Shruti. You're watching Shruti Shiva. Welcome back to my channel. Today we are going to be painting this glass painting since Janmashtami was just last week, and since we are painting Krishna for today's video, I'll also be telling a small Krishna ke bachpan ki story throughout the process. I hope you'll enjoy the video. Let's start. एक बार की बात है, यशोदा माँ श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी माँ को गुस्से में देखा तो खुद को बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी माँ मुझ पर गुस्सा है, मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर में यशोदा माँ वहां आई और कुम्हार से पूछा, तुमने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं माँ, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैया तो वहां से चली गई। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। अब कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, यदि माँ चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्णा कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, प्रभु एक विनती और है। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। बैलों ने बहुत मेहनत की है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। कुम्हार को अपने बैलों से इतना प्यार है ये देखकर भगवान खुश हुए और उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। फिर कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक आखिरी इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी, इंसान या जानवर, किसी भी जाति या धर्म का हम दोनों के बीच की ये बातें सुन रहा है, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो और मैं इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्यार भरी बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर
फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरण में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जिन बाल श्री कृष्ण ने सात कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकनी सी उंगली पे उठाया, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझेना नटवर नंद किशोर, कोई कितनी भी भक्ति कर ले, अगर आपके मन में प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। प्राणी मात्र के लिए प्रेम होगा तभी श्री कृष्ण मिलेंगे। इन दिस एरा वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस।